हरे ओम मित्र, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों छोटा सा श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति बना रहे हैं मिट्टी से। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। पहले तो दोस्तों कुछ मिट्टियाँ ले लेंगे, कुछ इस प्रकार से गोल बना लेंगे लड्डू की तरह, और इसी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से दो भाग करके और भी थोड़ा सा छोटा बना लेंगे। ज़्यादा मिट्टी ले लेते तो इसी प्रकार से बेस पर रख करके चपटा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों इसी के ऊपर में हम श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति बनाएंगे। तो पहले तो बेस बना चुके हैं दोस्तों गोल करके, तो उसी को बना देने के बाद थोड़ा सा मिट्टी और लेंगे और उसी का दोस्तों कॉइल बना लेंगे, लंबा कॉइल, और इसी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से देख सकते हो पैर बना लेंगे थोड़ा बैंड करके, और दोनों को जॉइंट कर देंगे दोस्तों ताकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिट्टी ना लग सके इसलिए। तो इसी प्रकार से मिट्टी और थोड़ा जांघों पे ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिट्टी ले करके दोस्तों पेट को बनाने के लिए देख सकते हो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा मिट्टी ले करके वहाँ पे बना दिए और उसी के साथ जॉइंट कर दिए पैर के साथ, तो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद दोस्तों जहाँ जहाँ पर मिट्टी ज़रूरत है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे मिट्टी और इसी प्रकार से बनाते जाएंगे। दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा, जहाँ जहाँ पे मैं मिट्टी ऐड कर रहा हूँ वहाँ पे मिट्टी ऐड करते जाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार से बना देने के बाद अभी नीचे के साइड में धोती बना लेंगे, पतला पतला थोड़ा सा स्लेब बना लेंगे छोटा छोटा, और इसी प्रकार से दोस्तों वहाँ पे चिपका लेंगे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से बना देंगे। और बीच में तो मटका बना लेंगे इसलिए वहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि जो कि मक्खन खाने वाला कुछ इस टाइप का एक श्री कृष्ण भगवान जी बना रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से मटका भी बना लेंगे। दोस्तों हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए और आगे इसी मूर्ति को दोस्तों कलर और डेकोरेट भी करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मटका का इतना बना देने के बाद दोस्तों पतला सा कॉइल बना लेंगे, कॉइल बना करके दोस्तों ऊपर के साइड में कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे ताकि और भी सुंदर दिख सके। तो इसी प्रकार से बना लेंगे दोस्तों, और बीच में वहाँ पे चिपका देंगे, जॉइंट कर देंगे। इतना बना देने के बाद दोस्तों अंदर का जो कि मक्खन को कुछ इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा मिट्टी बना देंगे, और बाद में कलर पेंट करने के समय पे वहाँ पे पेंट कर देंगे तो अच्छा दिखेगा। अभी दोस्तों जैसे पैर को बनाए थे उसी प्रकार से लंबा कॉइल बना लेंगे, उसी को दो भाग करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से हाथ को बना लेंगे और थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कर देंगे दोस्तों, क्योंकि पतला पतला कॉइल तो बना लिए थे इसलिए थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों दो और एक हाथ भी बना लेंगे, और एक हाथ को बनाने से पहले दोस्तों उंगलियां बना लेते हैं, क्योंकि दोस्तों पूरे बनाते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों पहले उंगलियां बना लेते हैं इसी हाथ का। देख सकते हो दोस्तों छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा कॉइल बना लेंगे और एक एक करके पहले चिपका देंगे और फिर बाद में वहाँ पे हाथों पर ज्वाइंट कर देंगे, और अंगूठा को भी बाद में वहाँ पे कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरे हाथ भी बना लेंगे। दोस्तों देख सकते हो दोस्तों हम लोग बना चुके हैं कृष्ण भगवान जी की पूरी आधा मूर्ति, मतलब आधा कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो इसी इतना बना देने के बाद अभी पूरे मूर्ति का जो कि ज्वेलरी है उसी को बना रहे हैं दोस्तों, जितने भी गहने हैं हाथों का, जो कि इसी प्रकार से छोटा छोटा कॉइल बना लेंगे और उसी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से वहाँ पे चिपका देंगे, और वहाँ पे बाद में सिंपल सा डिज़ाइन भी कर लेंगे दोस्तों। अभी रहने देते हैं थोड़ा बहुत, इसी प्रकार से ब्रश से दोस्तों लेकर के वहाँ पे फिनिशिंग कर देंगे। तो इसी प्रकार से सब तरफ फिनिशिंग कर देने के बाद दोस्तों अभी गले बना रहे हैं, गला जो कि थोड़ा सा मिट्टी लेकर के ऊपर के साइड में थोड़ा सा लंबा बना लेंगे गले को, क्योंकि दोस्तों बाद में वहाँ पे फेस को जॉइंट करेंगे तो अच्छे से जॉइंट हो जाएगा, थोड़ा लंबा रखेंगे तो इसलिए हमको गला को थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से लंबा रखने के बाद दोस्तों मतलब ज्वेलरी इसको बना लेंगे,
तो इसी प्रकार से दोस्तों बना देने के बाद टूल लेकर के कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन कर लेंगे, सिंपल सा डिज़ाइन दोस्तों कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। शरीर का तो सब कुछ बना दिए हैं दोस्तों, अभी बनाने का बाकी है तो ओनली पेस्ट बाकी है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों पेस्ट को बनाने के लिए थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और उसको दोस्तों गोल गोल बना लेंगे लड्डू की तरह। और इसी पे दोस्तों पहले तो बाल बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बाद में बाल बनाने के समय पहले पेस्ट बना लेंगे तो दोस्तों बाद में बाल बनाने के समय पर पेस्ट थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है, इसलिए दोस्तों पहले बाल को बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों ऊपर पे मिट्टी थोड़ा ऐड कर देंगे और वहाँ पे टूल की मदद से कुछ इस प्रकार से बाल का स्ट्रक्चर बना लेंगे। और अभी दोस्तों बना रहे पेस्ट को, पेस्ट को बनाने के लिए दोस्तों आँखों जहाँ पे आँख को बनाएंगे जहाँ पे वहाँ पे थोड़ा ब्रश कर लेंगे और वहाँ पे दोस्तों थोड़ा बहुत इतना बना देने के बाद नाक कान इसी प्रकार से बना देंगे भाई लोग धीरे धीरे। तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में, मैं मिलता हूँ आप लोगों को वीडियो के अंत में। दोस्तों अभी कृष्णा जी का माथे का जो कि तिलक बना देने के बाद दोस्तों उसी को बना देने के बाद हमारा कृष्णा भगवान जी की कंप्लीट हो चुकी है मूर्ख। आपकी आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हो फाइनल लुक।